देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, पूरे दिन की भागदौड़ के बाद अब वक्त हो चला था घर वापस लौटने का। आज पूरे दिन की भूख के बाद अब मुझे फिर खाना खाने का मन होने लगा। सर्दियों का ये मौसम था और हमेशा की तरह आज भी मुझे तुरंत ही अपने घर के लिए निकलना था। वक्त के साथ साथ अंधेरा भी मुझे डरा देता था, लेकिन आज डरने वाली कोई बात ही नहीं थी क्योंकि मेरे साथ अंकुश भी था। अंकुश मेरे चाचा का लड़का है जो मेरे साथ मेरे ही ऑफिस में काम करता है, और इन दोनों अंकुश के साथ साथ मैंने भी ऑफिस के काम को लगभग निपटा ही दिया था। ये महीने का नहीं बल्कि साल का आखिरी दिन था, और ऐसे मामले में काम का ज़्यादा होना कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं अंकुश के साथ गाड़ी में बैठा और घर के लिए निकलने लगा। हमारा घर यहाँ से करीबन 30 किलोमीटर से ज़्यादा था, तो मैं और अंकुश यहीं बगल में कमरा लेकर रहते थे, लेकिन इन दोनों 4 दिनों की छुट्टी थी तो घर चलना ही बेहतर था। अंकुश गाड़ी को काफ़ी अच्छे से ड्राइव करना जानता था, तो ऐसे में दिक्कत की कोई बात ही नहीं थी। गाड़ी तो मैं भी चलाना जानता था, लेकिन मेरा एक हाथ इन दोनों दर्द कर रहा था। हाथ की नस में अजीब सा दर्द होता। आज मैं करीबन 15 दिन के बाद अपने घर लौट रहा था, तो दिल में भी एक अलग सी खुशी थी। किसी तरह मैं और अंकुश ऑफिस के काम से छुटकारा पाकर घर के लिए निकलने लगे। तभी अंकुश ने बताया कि आज उसका पेट चूहों से भरा पड़ा है। पेट के चूहों ने अंदर अंदर तड़पड़ी मचा रखी है। दूसरी तरफ मैं भी भूख के मारे मरा जा रहा था। फिर हम वहाँ से चल पड़े। हमारे गांव का रास्ता थोड़ा खंडर स्थान को पार करके आगे निकलता था। ऐसे में काफ़ी जगह ऐसी थी जहाँ मुझे ही नहीं बल्कि अंकुश को भी बहुत ही ज़्यादा डर लगता था। जैसे जैसे गाड़ी स्पीड पकड़ रही थी, तो वैसे वैसे हम उन जगहों को पार करने लगे जो कि वाकई बहुत ही ज़्यादा खामोश होती हैं। फिर एक जगह पर गाड़ी अपने आप ही रुक गई। मुझे नहीं पता ये कौन सी जगह थी, लेकिन दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुनसान लग रही थी। अंकुश गाड़ी से उतरा और बाहर जाकर टॉयलेट करने लगा। एक पल के लिए तो मेरे पेट में कूद रहे चूहों ने मुझे अजीब सी आवाज से डरा दिया था। फिर एहसास हुआ कि मेरे ही पेट में भूत भरे पड़े हैं और अब ये अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। अंकुश वापस लौटा तो उसने बताया कि हमारी गाड़ी के पुराने इंजन ने एकदम से ठंड पकड़ ली है, और इतनी जल्दी इसका गर्म होना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। करीबन 20 मिनट इंतजार करने के बाद गाड़ी स्टार्ट हुई, और उसने भी काफ़ी ज़्यादा समय वेस्ट कर दिया था। फिर हम वापस निकलने लगे। इसी बीच सड़क के किनारे खड़े लंबे पेड़ों की एक बड़ी शाखा पता नहीं कैसे लेकिन एकदम से टूट गई और गाड़ी के सामने वाले शीशे पर आकर गिरी, जिस वजह से गाड़ी के कांच के सामने कुछ देर के लिए एकदम काला काला सा अंधेरा सा छा गया। किसी तरह उन डालियों को हटाया गया तो गाड़ी करीबन 50 मीटर की दूरी तय कर चुकी थी, क्योंकि गाड़ी के ब्रेक ने एकदम से काम करना बंद कर दिया था। और उसके बाद जब मैं और अंकुश अपनी गाड़ी से नीचे उतरे, तो हमने देखा कि हमारी गाड़ी के सामने सफ़ेद लिबास में लिपटा एक आदमी खड़ा हुआ था जिसके हाथ में एक संदूक था। वो आदमी एक हल्की सी आवाज़ में बोला कि यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर आगे बाएँ जाने के बाद एक ढाबा है, और इतना कहकर वो कीचड़ से सना हुआ शख्स वापस से निकलने लगा। दरअसल उस आदमी के पूरे कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और दिखने में वो किसी भिखारी की तरह लग रहा था। वो आदमी कुछ देर के बाद वहाँ से गायब हो गया। आंखों के सामने से उस आदमी को ओझल होता देख मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। मैं कुछ सोच ही रहा था कि तभी अंकुश ने उस आदमी की बात मानकर गाड़ी को बाएं तरफ मोड़ लिया। पता नहीं क्यों लेकिन मेरे जहन में अब एक अलग ही डर बैठ गया था। घबराहट हो रही थी, मगर मैंने इस बारे में अंकुश को कुछ भी नहीं बताया और चुपचाप से खामोश बैठा रहा। अब गाड़ी हल्की हल्की स्पीड के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगी, और फिर हम किसी तरह से बाएं तरफ वाले रास्ते को पार करते हुए 2 किलोमीटर आगे पहुंच गए। तभी मुझे पीछे से आवाज़ आई, ढाबा तो पीछे रह गया है। यह आवाज़ इतनी ज़्यादा भारी थी कि मेरे कान सुन पड़ गए। तभी मैं झटके से पीछे पलटा तो मैंने देखा कि संदूक को ले कीचड़ से सना हुआ वही आदमी सामने की तरफ खड़ा था। एक तरफ मुझे आवाज़ सुनाई दी तो दूसरी तरफ अचानक अंकुश के फ़ोन की घंटी बजने लगी, और जब उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा तो फ़ोन पर उसकी बीवी थी। उसकी बीवी ने बताया कि अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई है और उसको प्रेग्नेंट हुए आज 9वां महीना है। यह सुनते ही अंकुश मुझे जल्दी से ढाबे पर लेकर गया और मुझे गाड़ी से नीचे उतार दिया। अंकुश को जल्दी हो रही थी कि कहीं उसकी बीवी की हालत खराब ना हो जाए।
तो वो तुरंत ही वहां से निकल गया और मैं अकेला बच गया। यहां से जाने का अब कोई और रास्ता तो नहीं था। जल्दबाजी में मैंने अंकुश को बोल तो दिया था कि मैं किसी तरह घर चला जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहां से निकलने के लिए अब मुझे किसी गाड़ी का इंतजार करना होगा, क्योंकि मैं इस बात को अच्छे से जानता था कि इस रास्ते पर किसी भी गाड़ी का आना जाना एकदम बंद ही होगा। जिस वजह से पहले तो मैं ढाबे पर खाना खाने लगा, मगर उसके बाद मैंने सोचा कि किसी गाड़ी का इंतजार करने से तो अच्छा है मैं पैदल पैदल ही घर की तरफ निकल लेता हूँ। बरेली गांव तो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर था, लेकिन मैं सह लूँगा। और यही सोचकर मैं अपने घर के लिए निकल पड़ा। मैं उन सब बातों को तो भूल गया था जो आधे समय मेरे साथ हुई थी, वो सभी चीज़ें जो मेरे लिए डर पैदा कर सकती हो। मैं अपने कदम पटकते हुए पैदल पैदल सुनसान पड़ी सड़क पर आगे की तरफ बढ़ने लगा। सूखे पत्तों की आवाज़ भी मेरे कानों तक पहुंच रहे थे। इतना गहरा सन्नाटा था कि मैं अपने दिल की धड़कनों को भी सुन सकता था, जो कि बहुत तेज गति से धड़के जा रहे थे। ठंड को चीरते हुए और सन्नाटे को तोड़ने की नाकाम कोशिश करते हुए अभी मैं आगे बढ़ा ही था। मुझे क्या मालूम था कि 31 दिसंबर की रात मेरी जिंदगी की सबसे दर्दनाक रात होगी। ठंड इतनी होने के बावजूद भी मैं आगे बढ़े जा रहा था, तभी मेरे फोन की घंटी बजी और जैसे मैंने फोन देखा तो फोन घर से आया था। मैंने घर वालों को बता दिया कि मैंने खाना खा लिया है और मैं घर के लिए ही निकल रहा हूँ। और तभी नेटवर्क इशू होने लगा और घर वालों से भी ढंग से बात नहीं हो पाई। मेरे गांव में ये समस्या काफ़ी पहले से रही है कि यहाँ कोई नेटवर्क का टावर नहीं है, ऐसे में लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे सड़क पर किसी लोहे की चीज़ को घसीटने की आवाज़ सुनाई दी, और इस बार जब मैं पीछे मुड़ा तो मेरे पैरों में थरथराहट होने लगी। दरअसल ये वही शख्स था जो कि कुछ देर पहले हमें सड़क पर मिला था, और इसकी डरावनी सी आवाज़ मुझे अपनी गाड़ी के अंदर भी सुनाई दी थी। लेकिन उसका हुलिया देखकर ये साफ साफ पता चल रहा था कि ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो मासूम सा चेहरा था जिसके हाथों के नाखून लंबे लंबे थे और किसी भिखारी की तरह लग रहा था। अभी मैं अपनी जगह पर खड़े खड़े उस आदमी को ही घूर रहा था कि अचानक उस संदूक के अंदर से अजीब सी आवाज़ आने लगी, मानो अंदर से कोई संदूक को खटखटा रहा है। अब मेरी मनोदशा खराब होने लगी। उस संदूक में कुछ तो था, या तो कोई इंसान या फिर कोई जानवर, अन्यथा इस तरह संदूक का अपने आप में आवाज आना मुमकिन नहीं था। मैं उस आदमी पर थोड़ा चढ़ते हुए बोला, तुम्हारे संदूक के अंदर क्या है और तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? तो उस आदमी ने मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया, उल्टा वो मेरा मुंह ताकता रहा। उस आदमी की हालत देखकर मेरी समझ से बाहर जा रही थी। उसका अजीब सा व्यवहार मुझे विचलित कर रहा था। गुस्सा तो इतना था कि मैं उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दूं, लेकिन दूसरी तरफ उस आदमी ने मुझे कुछ सरप्राइज सा कर रखा था। पहले उसका बीच सड़क पर मिलना, फिर गाड़ी में देखना, और अब इस सड़क पर भी मेरा पीछा करना। मैं उस आदमी के पास पहुंच गया। मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई, लेकिन जब मैंने उस आदमी के उल्टे पैरों को देखा तो मेरा पूरा बदन पसीने से भीग गया। यह कोई भूत था और इसकी संदूक के अंदर भी कोई रहस्यमय चीज होगी जो मैं देख नहीं सकता। इसी बीच मेरे सर पर पीछे से एक वार हुआ, और ये वार इतना ज़्यादा जोर का था कि मैंने एक ही पल में घुटने टेक दिए और मैं घुटनों के बल नीचे बैठ गया। सर में इतने जोर की लगने की वजह से मेरी आंखें बाहर निकल गई, दर्द के मारे मैं कराहने लगा। फिर मैं उस सड़क के बीचों बीच नीचे गिर पड़ा और मैं तभी बेहोश हो गया। और उसके बाद जब दोबारा होश आया तो मुझे लगा कि मैं किसी संदूक के अंदर हूँ या फिर किसी कब्र के अंदर फंसा हुआ हूँ। मैंने अपने पाँव से जोर जोर से लात मारने की बहुत कोशिश की, मगर मैं किसी संकरी सी चीज़ में फंसा हुआ था तो पता ही नहीं चला कि अब मैं क्या करूं। बाहर से टकमगाने जैसा मुझे महसूस हो रहा था, मानो कोई चीज़ को पकड़कर इधर से उधर हिला रहा हो। मैं काफ़ी देर तक तो बर्दाश्त करता रहा और मेरे मुंह से कोई आवाज़ तक बाहर नहीं निकल पा रही थी। दहशत तो कुछ ऐसी हो गई थी कि मेरे शरीर का एक एक पुर्जा अंदर से हिल गया था। लगभग एक घंटे तक मैं इसी तरह दुख में पीड़ा में रहा, और उसके बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब मैं एक जगह स्थिर हूँ। और एक बार फिर मैंने उस संदूक के दरवाजे पर लात मारने की कोशिश की तो वो दरवाज़ा एकदम से खुल गया, और इस बार मेरी आंखों के समक्ष खुला आसमान मुझे दिखाई दे रहा था। आसमान की चादर में चमकते सितारे
मुझे नजर आ रहे थे और मैं बहुत ही ज्यादा ठंड के पास खड़ा था, यानी कि जिस जगह पर मौजूद था तो उस जगह पर घोर ठंड और गजब का सन्नाटा था। एक ऐसी जगह जहाँ से कोई पत्ता भी अपनी जगह से ना हिल सके। और जब मैंने अपने आसपास देखा तो मैंने पाया कि ये तो वही संदूक था जो कि कुछ देर पहले उस आदमी के हाथ में था, और वो आदमी पूरा कीचड़ से सना हुआ था। फिर जब मैंने आसपास उस आदमी को देखने की कोशिश की तो मुझे वो दूर दूर तक कहीं भी नजर ही नहीं आया। फिर मेरी नज़र मेरठपुर गांव की एक गहरी खाई की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि उस डरावनी खाई के अंदर से वो आदमी बड़े आराम से एक संदूक लेकर बाहर निकल रहा था। जहां तक मैंने सुना था कि कुछ लोगों को लगता था कि उस खाई के घर जाना निषेध है और उस खाई के अंदर जाने से पहले हर इंसान को 10 बार सोचना चाहिए, लेकिन इस आदमी की करतूत को देखकर ऐसा ही लग रहा था कि उसने उस खाई के अंदर अपना घर बनाया हो और वो आराम से जा सकता है। मैंने पहले तो उस संदूक का दरवाज़ा एकदम से बंद कर दिया और उसके बाद वहाँ से सरपट भागने लगा। ठंड तो बहुत ज़्यादा थी तो ऐसे में भी तेज गति से भाग पाना बड़ा ही मुश्किल था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं किस तरफ जाऊँ ताकि मैं अपनी जान बचा सकूँ। फिर मेरे अगल बगल से किसी गाड़ी के गुजरने की आवाज़ सुनाई देने लगी और इस आवाज़ को सुनकर यह अंदाज़ा लगाना बड़ा ही आसान था कि यहाँ आसपास में ज़रूर कोई हाईवे बना हुआ है जिसके ऊपर से गाड़ियों का गुजरना एक आम बात होगी। मुझे रास्ते के बारे में तो पता नहीं था, लेकिन मैं इतना जानता था कि यहाँ अगल बगल में ज़रूर कोई रोड बनी है और इस हाईवे पर कहीं ना कहीं मुझे मदद मिल सकती है। जिस तरफ से आवाज़ सुनाई दे रही थी तो मैं भागता हुआ उसी तरफ पहुँचा तो मैंने देखा कि वह सच में एक हाईवे बना हुआ था जिसके ऊपर से गाड़ियों का गुजरना एक आम बात है। लेकिन जब तक मैं वहाँ खड़ा रहा तब तक वहाँ से एक भी गाड़ी नहीं गुजरी जो मुझे अचंभित कर रही थी। बहुत देर तक इंतजार करता रहा मैं। फिर एक दूसरे छोर पर मुझे लाइट का ऑन ऑफ होते हुए नजर आई, जिसका मतलब साफ था कि यहाँ अगल बगल में कोई गाड़ी खड़ी है। तभी मैं भागता हुआ उस जगह पर पहुँचा तो मैंने देखा कि मुझे उस जगह पर एक छोटी सी टैक्सी खड़ी हुई नजर आ रही थी जो पीले रंग की थी और उसके अंदर कोई भी नहीं था सिवाय एक ड्राइवर के अलावा। फिर मैंने टैक्सी का दरवाजा खटखटाया लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उस टैक्सी के अंदर मुझे ड्राइवर नजर तो आ रहा था लेकिन वो दरवाजा खोलने के लिए तत्पर नहीं था। तभी मैंने सोचा कि यहाँ माता पच्ची करने से तो अच्छा है आगे बढ़ लूँ, और फिर मैं उस टैक्सी को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ने लगा। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद मेरी नज़र सामने की तरफ से आ रही एक बस पर पड़ी तो मैंने उस बस के सामने अपना हाथ दिखाया और बस वाले ने एक झटके से बस का ब्रेक लगा दिया। बस के रुकते ही मैं बिना कुछ सोचे समझे बस में चढ़ गया। जहां मुझे लगा अब मैं जिंदा बच जाऊंगा तो वहीं कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बहुत ही जल्द मेरे विपरीत होने वाली थी, जिन चीज़ों का मुझे अंदाज़ा तक नहीं था अब वो सब होने वाला था। बस एक बार फिर चल पड़ी लेकिन जैसे ही मेरी नज़र बस के अंतिम छोर पर गई तो मैंने देखा कि अपने संदूक को हाथ में लिए वो शख्स अभी भी उस बस के आखिरी सीट पर बैठा था, और इतना देखते ही मेरे अंदर कपकपी छूट गई। फिर जैसे मैंने उस आदमी की आंखों में आंखें डाली तो मुझे एक अजीब सी एनर्जी का एहसास हुआ। इस समय मैंने बस को रुकवाने की कोशिश की तो ड्राइवर बस की सीट से गायब था। जब मैंने बस की सीट से ड्राइवर को भी गायब देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बस की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी लेकिन किसी तरह डगमगाते हुए मैं बस के दरवाजे के पास पहुंचा और तुरंत नीचे बस से कूद गया। मैं ऐसी जगह पर नीचे कूदा था जहां चारों तरफ लंबी लंबी झाड़ियां थी और एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल के पेड़ पौधों पर गिरने की वजह से शरीर पर ज़्यादा गहरी चोट तो नहीं लगी, पर मुझे इस जंगल में कूदने के बाद रास्ता तो बहुत अच्छे से याद आ गया। लेकिन यहाँ की कुछ खौफनाक दास्तानें हर किसी को डरा देती हैं। मैंने इस जंगल के बारे में कुछ विचित्र कहानियाँ सुनी थी और अब मुझे नहीं पता कि वो वास्तविक थी या फिर किसी की काल्पनिकता। मैं सोच विचार त्याग करके फिर से उल्टे पांव भागा। बहुत तेज भागने की वजह से मेरे पैर का मांस फट गया और इस बात का अंदाज़ा मुझे उस वक्त हुआ जब मेरा पैर एक गड्ढे में गिरा। बहुत जोर का दर्द हुआ और ऊपर से ठंड थी, और वैसे भी मुझे अपने पैर में दर्द कुछ ज़्यादा महसूस हो रहा था। किसी तरह मैं भागते हुए उस जंगल के रास्ते को काटने लगा, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि इस रास्ते का कोई अंत नहीं है। लगातार भागने के बावजूद भी उस 10 मिनट के रास्ते में करीब 1 घंटा बीत चुका था, लेकिन मैं निकल ही नहीं पा रहा था। जहां से मैं भागना शुरू करता बस वहीं पर आकर रुक जाता।
अब समय बीतता गया लेकिन मैं उस रास्ते को काट पाने में सक्षम नहीं हुआ। ऊपर से अब मेरा दिमाग भी खराब होने लगा और थक हार कर मैं फिर से उस सड़क के बगल में बैठ गया। फिर अचानक ही एक आदमी आवाज देता उस सड़क पर पहुंचा और उसके हाथ में सफेद रंग का बोरा था और वो कुछ सामान बेच रहा था। तभी मैं उसे घूरते हुए देखने लगा। मुझे लगा कि शायद ये मेरी जान बचा सकता है। अभी मैं उस आदमी की ओर बढ़ने ही वाला था कि अचानक उस सड़क पर उस संदूक वाले आदमी की एंट्री हुई जो उस आदमी के बिल्कुल पीछे चल रहा था। पता नहीं क्यों लेकिन उस आदमी को देखते मेरा बदन अब थर थर कांपने लगा। इस बार मैं सड़क पर भागने के बजाय जंगलों के अंदर घुस गया क्योंकि इस सड़क का तो कोई तोड़ ही नहीं। मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं लेकिन सड़क को पार करना मेरे बस की बात नहीं थी। जंगल के अंदर तो मैं कहीं भी छुप जाता और इसी बीच में भागते तो हुए एक झोपड़ी के पास पहुंचा। पहले तो मुझे लगा शायद यहाँ कोई रहता होगा तो मैं उस झोपड़ी के चारों तरफ घूमने लगा लेकिन वहां पर कोई मौजूद ही नहीं था। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर जंगल के बीचों बीच झोपड़ी बनाने का विचार किसको आया होगा। एक बार फिर मैंने अपने विचारों को अपने दिमाग से हटा दिया। अभी मैं वापस निकलने ही वाला था कि मुझे पानी निकालने की अजीब सी आवाज आई। मुझे लगा कि यहाँ पर आसपास कोई पानी का कुआं बना हुआ है और मैं एक पल के लिए थम गया। फिर मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा तो वो संदूक वाला आदमी मेरे पीछे से गायब था और कहीं ना कहीं उसके बचाव से मैं एकदम सुरक्षित था। मैं बहुत धीरे धीरे उस ध्वनि की तरफ बढ़ने लगा जो अभी अभी मुझे सुनाई दे रही थी। जब मैंने झांकते हुए दूसरी तरफ देखा तो मैंने पाया कि एक महिला अपने कपड़ों से सजी धजी कुएं से पानी निकाल रही थी। बहुत ही पुराना सा कुआं जो खंडर जैसा बना हुआ था। उसके बाद जैसे मैंने उस महिला को देखा तो उस कुएं के अंदर से वो महिला पानी निकाल रही थी। अचानक ही पानी की बाल्टी से मांस और कटी लाश निकलने लगी और इसी बीच पता नहीं कैसे लेकिन उसे भनक पड़ गई कि उसके पीछे कोई इंसान खड़ा है और फिर अचानक ही उसने अपनी डरावनी आंखों से मेरी तरफ देख लिया। लेकिन फिर एक हाथ ने अचानक उस महिला को उस कुएं के अंदर खींच लिया और वो बहुत ही जोर से चिल्लाती हुई धड़ाम से उस कुएं के अंदर गिर पड़ी। और ये खौफनाक दृश्य देखकर मेरी हिम्मत के सारे दरवाजे टूट गए। मैं अंदर से बिखर गया था लेकिन यहाँ पर रुकना भी भूतों को बुलावा देने जैसा था। फिर मैंने एक बार फिर हिम्मत से काम लिया और वहां से वापस निकल गया। और जब मैं वहां से वापस निकल रहा था तो मैंने उस झोपड़ी के अंदर किसी को जलते हुए देखा। एक ही बार में उस झोपड़ी के अंदर आग लग गई और वहां से रोने चीखने की आवाजें आने लगी। किसी को अपनी आंखों के सामने जलता देखकर एक अजीब सा दर्द होता है लेकिन मैं खुद आज इतना ज्यादा डर गया था कि अपने शब्दों में बता नहीं सकता। एक तो मेरे पैर का मांस फट गया था, ऊपर से इन भूत प्रेतों ने आज इस कदर पीछा पकड़ रखा था मानो ये मुझे मारकर ही दम लेंगे। तभी मैं इनके आगे आगे भागता रहा और ये सभी मेरा पीछा किसी पागल कुत्ते की तरह कर रहे थे। मैं जंगल के बीचों बीच पहुंच गया और ये जंगल वैसे इतना गहरा नहीं था क्योंकि मैं अक्सर इस जंगल में घूमने के लिए आता था। अभी मैं उस जंगल की छोटी छोटी पगडंडी में भाग ही रहा था कि तभी मेरी नज़र सामने की ओर से मेरी तरफ आने वाली एक भेड़िए पर पड़ी। मेरा पूरा बदन सुन्न पड़ गया था और डर के मारे मेरा पूरा बदन बेचैन होने लगा। ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि मैं अपनी मौत और जिंदगी के बीचों बीच खड़ा था। मैं जानता था कि एक जंगली जानवर को कैसे हैंडल करते हैं। फिर मुझे झाड़ू को हटाने की आवाज आने लगी मानो कोई अपने हाथ के सहारे से झाड़ू के पत्तों को इधर उधर खिसकाने की कोशिश कर रहा हो। मैंने बहुत ही हल्के से अपनी गर्दन को पीछे की तरफ घुमाया तो जिसका मुझे डर था मुझे वही देखने को मिला। अपने सर पर लोहे का वो संदूक लिए वो शख्स अभी भी राक्षस की तरह मेरे पीछे पड़ा था। तभी मैं भागते भागते पूरी तरह से थक गया। मैंने उस आदमी के सामने अब आत्मसमर्पण करना ही बेहतर समझा क्योंकि मौत के दरवाजे शायद मेरे लिए खुल चुके थे। मगर इसी बीच एक शख्स ऐसा भी था जो शायद मेरी जिंदगी की रक्षा करना चाहता था। उस आदमी के जस्ट पीछे अपने हाथ में सफेद बोरा लिए वो आदमी मुझे अपने हाथ से इशारा करने लगा और उस आदमी ने मेरी बाईं तरफ इशारा किया और मुझे भागने को कहा। तभी उसने मेरी तरफ काले रंग का एक धागा फेंक दिया। धागा इतनी दूर से फेंकने के बाद भी वो धागा मेरे कदमों में आकर गिरा। मैंने उस धागे को उठा लिया और अपने दर्दनाक पैर के साथ उस दर्दनाक हालत में रोते हुए जंगल के बीचों बीच से भागने लगा। इस बार मुझे काफ़ी बेहतर फील हो रहा था मानो मुझे संजीवनी बूटी मिल गई हो। इस बार मैं जंगल से बाहर निकल गया। इतनी देर से जो काम मैं एक घंटे में नहीं कर पाया पर इस बार वो काम मैंने बस कुछ ही क्षणों में पूरा कर दिया।
जंगल से निकलने के बाद मैं उत्पात करता हुआ अपने घर की तरफ से भागने लगा अपने घर की तरफ भागने लगा। घर की दूरी यहाँ से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन एक बार फिर मुझे सड़क पर लोहे की चीज़ घसीटने की आवाज़ आई और इस आवाज़ को सुनते ही मैं तुरंत ही समझ गया कि ये तो वही भूत है जो काफ़ी देर से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। और इस बार मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने पैर को घसीटते हुए घर की तरफ भाग गया। दोस्तों कहते हैं जहाँ बुराई का कहर होता है वहाँ अच्छाई का भी नामो निशान मिलना एक आम बात है। उस दिन एक बुरे भूत ने मेरा पीछा किया तो एक अच्छे भूत ने मेरी मदद भी की। जैसा कि हमारे गांव को श्रापित बताया जाता है, वास्तव में मैं इन चीज़ों को पहले मानता नहीं था, लेकिन इस घटना ने मुझे इन सब चीज़ों को मानने पर बुरी तरह से मजबूर कर दिया। आज जब भी मैं अपने ऑफिस के लिए निकलता हूँ तो ये घटना मेरे जहन में बस चुकी है, जो रोम रोम में मुझे इस घटना के प्रति डर पैदा करवा देती है। कहते हैं उस लोहे के संदूक में जो भी शख्स एक बार चला जाता है वो जीवित नहीं आता। मेरी किस्मत या फिर इत्तेफाक कुछ ऐसा ही था कि मैं जिंदा बच गया। कुछ जनों का कहना है कि वो प्रेत मुझे वापस से उस लोहे के संदूक में डालकर उस खाई में फेंक देगा और मैं मर जाऊंगा। अब यह क्या वास्तव में होगा या नहीं, यह मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन इस बात को सुनने के बाद मैं थोड़ा डरा डरा रहता हूँ और काफ़ी संभल कर भी, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी ज़िंदगी का ख़त्म होने का लक्ष्य वही प्रेत ना बन जाए। धीरे धीरे मैंने इस इलाके में आना जाना भी अब बंद कर दिया है, और अब आता जाता भी हूँ तो अमूमन मैं रात के समय में उस रास्ते से सफ़र नहीं करता और दिन में भी अपने साथ किसी न किसी को लेकर ही जाता हूँ। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।